वज़ीर मुमलिकत बराए सनत सरदार अरशद लगारी की पटाक कॉलेज आमर डीजी पटाक सरफराज अहमद ने फनी तालीम के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीजी ने वज़ीर मुमलिकत को मुख्तलिफ फनी कोर्सेज के हवाले से भी आगाह किया। इमरान यूनस से मजीद जानेंगे। इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस मुलाकात से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, वजीर मुमलिकत संतो पैदावार सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी जो है इन्होंने पटाक कॉलेज फिरोजपुर रोड का दौरा किया है, जहां पर डीजी पटाक कॉलेज इंजीनियर सरफराज अहमद ने पटाक की फनी तालीम के बारे में वजीर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। वजीर मुमलिकत ने इदारे के मुख्तलिफ हिस्सों का जो है वो दौरा किया, जबकि डीजी पटाक ने इदारे में तलबा को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ फनी तालीमी और कोर्सेज के बारे में आगाही दी और बताया कि इदारे में 150 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो फनी तालीम हासिल कर रहे हैं और इस इदारे ने मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का 3 साल डिप्लोमा जो है वो भी शुरू किया है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी ने पटाक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका इफ्तिताह भी किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर मुमलिकत का ये कहना था कि इस चीज की अशद जरूरत है कि लोगों में फनी तालीम के हवाले से शौर उजागर किया जाए और उन्हें आगाह किया जाए, स्पेशली वालदैन को, कि अपने बच्चों को फनी तालीम जो है उससे भी आरास्ता करें। हुकूमत इस बारे में भरपूर कोशिश कर रही है और जो फनी तालीम हासिल करने के बाद फारगुल तहसील तलबा है उनकी नौकरियों के लिए भी हुकूमत की जानिब से ही कोशिशें जारी हैं। जी।